सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज मेरे नई वीडियो पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो मेरे भाई 1600 मीटर रनिंग अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही वीडियो ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो हमने इस वीक में हमने वर्कआउट किया उसमें एक खुद प्रैक्टिकल करके ट्राई किया है कि इससे करने से सांस की समस्या और जो लास्ट राउंड में 100 मीटर 150 मीटर 300 मीटर में जो हाथ पैर भरते हैं उस पर स्पीड ना आने की, हाथ पैर भरने के बाद में भी स्पीड से भागने की जो हमें प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हमें पकड़ में आ जाएगी और हमारा उसमें बहुत ही फायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको हमारा जल्दी से जल्द और रनिंग से संबंधित कुछ टिप्स आए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो ये बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और पूरा जो मैं बता रहा हूँ बताने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा ग्राउंड में हमने किस प्रकार से ट्रैक पे किया है, और जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और जो मैं बता रहा हूँ वो आपने 100% कर लिया अगर खुद ने अजमाई। वीडियो तो बहुत सारे मिल जाए आपको, 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज ये कर लो, इसी स्पीड वजह 1600 मीटर की 15 दिन में 20 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप जहाँ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जहाँ भी डिफेंस में, घर पर जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपका टाइमिंग 5 5 5 10 आ रहा है तो आप उस शेड्यूल को ही फॉलो कीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए कंटिन्यू। क्योंकि अपने रूटीन में आप क्या बोलते हैं, आपको 5 डाउन और 5 50 4 50 वाला बोल देता कि यार मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो ये खाता हूँ वो खाता हूँ, कुछ नहीं है। आप जो डाइट ले रहे हो वो डाइट खाइए, आपका जो टाइमिंग आ रहा है वो उस टाइमिंग में बरकरार रहिए, जो टाइमिंग आ रहा है वो टाइमिंग टूटेगा 5-10 के अंदर, टाइमिंग आने के बाद में आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड इस प्रकार से टूटता है, 5.5 से ऊपर रहता है तो वो जल्दी टूट जाता है। उसमें क्या होता है फिर वो टाइट होने लगती है बॉडी, बॉडी कुछ मांगती है, मांगती मतलब डाइट भरपूर मात्रा में चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन वगैरह भरपूर मात्रा में चाहिए। तो मैं जो ये बता रहा हूँ ये आप फॉलो करना, जिन भाइयों के परेशानी है फॉलो करना। हमने खुद ने ये पिछले नेक्स्ट वीक में हमने ट्राई किया, वास्तव में बहुत अच्छी है। मैंने आज तक जो भी वीडियो डाला है यूट्यूब पे उसमें जो लगभग चीज़ें डाली है वो मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, मैंने खुद अपनी बॉडी पे हमने जो एचआर ग्राउंड में हम करते हैं खुद ट्राई किया हुआ है, फिर अपने इसे यूट्यूब पे अपलोड किया है कि किसी भाई का फ़ायदा हो सके। तो आपका 5-10 5 जो भी टाइमिंग आ रहा है उस टाइमिंग को बरकरार रखिए, किसी दूसरी चीज़ के कहने पर ना करिए, खुद के मास्टर खुद बनोगे तब जाके फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको जो बताया है वो आपको करके देखना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी टाइट हो जाती है और सांस के लिए हम जो करते हैं उसमें क्या होता है, हम जैसे 400 मीटर का ट्रैक है जिस प्रकार से आपको खेलने के तो खेंगे, ये तो 100 मीटर की रिले होती है, हाँ ठीक है एथलेटिक्स में उसे 100 मीटर की रिले बोलते हैं, 400 मीटर का ट्रैक होता है, उस 400 मीटर के ट्रैक पर आपको 100 मीटर के दायरे पर आप 4-5 जगह खड़े हो जाना है, 100 मीटर पे 3-4 बंदे खड़े हो गए, फिर से 100 मीटर पे 3-4 बंदे खड़े हो गए, तो उस 100 मीटर पे खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है, जगह जगह खड़े हो जाना है और 5 एक एडवांस में खड़े करना है, 5 जगह खड़ा होना है, 5 जगह खड़ा होने के बाद में आपको जिसे 100 मीटर की स्प्रिंट मारने, 100 मीटर वाला ग्रुप अगले 100 मीटर पर बंदे खड़े वहीं तक जाके रुकेगा और सांस कंट्रोल करेगा, स्पीड से भागना, दूसरा 100 मीटर ग्रुप वाला अगले स्पीड तक जाएगा, अगले तक जाएगा और वहां पर जाके रुक जाएगा, जितने तक अगले वापस पीछे वाले बंदे वापस नहीं आ जाते तब तक आपको वहां पर खड़े रहना है, अपनी रिकवरी करनी है, सांस कंट्रोल करना है, मुँह से लेना है, ऐसे करना है, जब तक आपकी रिकवरी नहीं हो जाए तब तक करना है आपको। तो मैं जो ये बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, यह बात नहीं है प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो 100 मीटर के दायरे पे आपको खड़ा होना है और 100 मीटर दायरे पे खड़ा होने के बाद स्प्रिंट मारना है भयंकर तरीके से, एकदम जूतों में गाड़ना है, नंगे पैर ना होना है, नंगे पैर होगे तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है, जूतों में मारना है, उसके बाद में आपको जहाँ पे खड़ा होना है घुटनों पर हाथ रखना है और सांस कंट्रोल करना है अच्छे तरीके से, जब तक आपके पिछले वाले साथी वापस नहीं आ जाते तब तक आपको वहाँ पर रखना है और सांस की रिकवरी करनी है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये करना है, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ये बात नहीं है प्रैक्टिकल दिखाऊँ, हमने इस वीक में की है, बहुत ही चीज़ एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर आपने, हमने 2 सेट मारे थे, 1 2 राउंड का, 1 1 राउंड का हमने 2 सेट मारे थे, वो तो 1 राउंड एक बच्चे के 1 राउंड में 4 रिपीटेशन पाते आते हैं, 100 मीटर के 4 रिपीटेशन पाते हैं, 2 राउंड मारोगे तो 8 रिपीटेशन पाते आ जाएंगे, 8 रिपीटेशन एक बंदे के पास जाएंगे तो आप देख लो कितनी आइंदा हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी हालत ख़राब हो जाएगी जितनी कि आपने 1600 मीटर का टाइमिंग दिया है। खुद ही अजमाई हुई चीज़ है, आप करके ज़रूर देखिए, जो नया बंदा है वो ना करिए और जो पुराने धावक है 5:15 5:10 टाइमिंग आ रहा है वो करके देखिए, आपके टाइमिंग में ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। तो आगे आपको वीडियो चलता हुआ मिलेगा, उस पर आप ट्राई करके देखिए, देखिए हमने किस प्रकार से किया है, शुरुआत में किया है और लास्ट में एंडिंग मोमेंट में 2 सेट मारे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करें।
तो आप आगे जो वीडियो चल रहा है उसको पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम रिले के लिए जगह जगह बच्चे खड़े कर रहे हैं, कई गेम गाँव वाइज हो रहे हैं उस प्रकार से खड़े कर रहे हैं जहाँ पे दो बच्चे एक लेवल के, यानी एक तो 5 मिनट का आ रहा है टाइम, दूसरा 5 मिनट, एक 5.5 है, ये नहीं दोनों टक्कर के होने चाहिए एक साथ तेज के दो से। और अभी हम देखो तैयारी कर रहे हैं कि जगह जगह 100-100 मीटर पर खड़े कर रहे हैं, सब इक्वल हो और दो राउंड पहले कोई नहीं रुकेगा, इस प्रकार से उस बंदे उस टाइप के बंदे खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर डबल रहेगा क्योंकि एक सीट यहाँ पर डबल चाहिए। 100 मीटर पर दायर होता है, अभी हम शुरुआत करेंगे। मैं और मुकेश कटवा यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आपने चालू कर दिया, हम 100 मीटर पर रुकेंगे। आप देखना अभी 100 मीटर पर हमारे कुछ बंदे खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए हम यहाँ तक रुकेंगे तो ये रवाना हो जाएंगे अपने आप। ये देखिए वो रवाना हुए, हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक हमारे पीछे एक और चार बंद होगा, तब तक वो हमारे पास रनिंग करते नहीं है, तब तक हम वहाँ जानते रहेंगे। तो वो ग्रुप आगे चल रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैंने बताया था लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको, ये देखिए ये वो बंदे वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो वहाँ पे रुक जाएंगे, आगे वाले बंदे तुरंत हो चुके हैं, ये देखिए चल रहे हैं धीरे धीरे अपनी स्पीड एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक पेस पे चल रहे हैं, तीनों एक पेस पे चलेंगे तो मोरल डाउन नहीं होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, तब तक ये यहाँ पे आएंगे, ये देखिए वो आगे वाले रवाना होंगे। इसे वैसे रिले बोलते हैं एथलेटिक्स में, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, करने में बहुत ही फायदेमंद है। देखिए यहाँ पर आएंगे तो एक सेट हमारा एक ग्रुप एक्स्ट्रा खड़ा, तो यहाँ पे देखिए हमारे राजे और आगे जाकर हमारे इनके चेस में भाई तीनों भाई रवाना हो गए। ये देखिए यहाँ पे 100 मीटर पे जाएंगे और वापस वहाँ पे रुक जाएंगे। आपको एक राउंड कंप्लीट दिखा दिया हमने, 100 बनाए अभी आगे में और दोनों आगे जाएंगे पूरी स्पीड में एकदम, वहाँ से हम रवाना हो गए। तो आपको ये सप्ताह में एक दिन भी करो तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, रनिंग के अंदर तो बहुत ही स्टेमिना ग्रोथ करने और स्पीड के लिए और सांस के लिए बहुत फायदेमंद है। वहाँ पे 100 मीटर आपकी कंप्लीट हो जाए तुरंत, आप यहाँ पे घुटनों पे हाथ लगाइए, लंबा लंबा सांस सांस की रिकवरी दीजिए। ये देखिए हमने वहाँ तक 100 मीटर कंप्लीट कर लिया है, आगे वाली चालू हो गई। देखिए तीनों बंदे टक्कर के हैं, एक साथ पेस पे चल रहे हैं, इस प्रकार से बंदे हमने जगह जगह खड़े किए हैं क्योंकि जो एक हाई लेवल का होगा तो क्या वो जल्दी से कंप्लीट करेगा। एक सार किया है जैसे तीनों का स्टेमिना एक सार हो, तीनों की रनिंग ठीक ठाक हो, बीच की लेवल मिलने वाली सी, उस प्रकार से हमने यहाँ पे हमारे जाकर राजवीर और अंकित भी कर खड़े हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों रवाना हो गए, एक बंदे के 4 सूट मतलब 4 सूट बाकी आएंगे, जब तक हमने सूट किया था वहाँ हम वापस नहीं आ जाते तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से करनी है आप। तो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको पता चल गया होता हमें किस प्रकार से लगाना है और कैसे लगाना है। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई महिला भी पहले बोलेंगे ये कोई स्पीड की क्या होता है, इसमें क्या सांस का मेंटेन होगा। मैं आपको बता दूँ कुछ अजमायर चीज़ें देसी तरीका हम लोग अपनाते हैं, जैसे कई आपको बोलेंगे कि सांस के लिए बहुत ही फायदेमंद सबसे बेस्ट योगा रहता है। हाँ भाइयों वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, टाइम आने पर हर चीज़ बताऊँगा जो हमें जिस टाइम लगती है भाई ये इस टाइम में अब हमारे भाइयों को बताना चाहिए तो उसमें ये, क्योंकि भर्ती जिन भाइयों के नज़दीक है वो कर रहे हैं, जिनको सबको पता है कि योगा करने से ये होता है, सब जज जिन चीज़ों के बारे में पता है उसको बताने में क्या फ़ायदा। अगर आपको यूट्यूब पे इतने चैनल है, इतने प्लेटफॉर्म है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज ये करने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रूटीन कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके करने से फ़ायदा भी होता है ये बात नहीं है, परंतु उनको करने का तरीका रेपटेशन सेट वो चीज़ लगेंगे तब छा जाएगा। हमारे जैसे भाई क्या करते हैं, हाँ 5 एक्सरसाइज करने से 1600 मीटर का टाइम 5 मिनट आ जाता है, उसमें क्या करता है एक एक सेट मारते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से होती नहीं है, बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, सांस पड़ जाती है, थकान हो जाती है, ठीक है भैया कह सकते हैं रहने दो आज नहीं होगा इतना ही होगा, तो उस हिसाब से नहीं होगा। तो मैंने आपको जो ये बताई है इसी को चीज़ को फॉलो करके देख लीजिए, सांस के लिए और इतनी फायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ योगा का पार्ट है, मैं आपको योगा का पार्ट भी डालूंगा, अनुलोम कपाल भाती है, लंबे सरगम है, सांस अंदर लेना है लंबा, थोड़ी देर रोकना है, उसके बाद लंबी लंबी गहरी सांस छोड़नी है, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। तो मैंने जो ये बताई आगे क्लिप ये बहुत अच्छी है, और जो ये भाई सोच रहे हैं कि सांस के लिए तो बहुत ही ये सब कुछ नहीं है, आप करके ट्राई देख लेना, 2 राउंड 400 मीटर के 100-100 मीटर के दायरे पे खड़े होकर अपने भाई लोग दोस्त के साथ खड़े होकर ट्राई करके देख लेना। अगर आपको 1600 मीटर का टाइमिंग देने के बाद हालत है वो हालत नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है, खुद की अजमाई हुई चीज़ें इसी हफ्ते में अपना अजमाई है, हम सारे लोग
और आप हमारे HR ग्राउंड का शेड्यूल पूरा करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप ही हमारी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका टाइम अच्छा आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं, आप जो टाइम अच्छा आ रहा है जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो वही करते रहिए, क्योंकि हमारे शेड्यूल फॉलो करने से आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा टाइट करते हैं उतना टाइमिंग के बेस पर रेपिटेशन लगाते हैं। अभी मंडे आने वाला है तो मंडे का आपको रिजल्ट दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा चलता है ब्लॉग, सुबह थोड़ा उजाला होने के बाद टाइमिंग देने की आशंका है जिससे आपका वीडियो में पूरा दिखाई दे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्लिक करें, उन भाई तक ज़रूर पता है जो भाई तैयारी कर रहा है और जिसके ये परेशानी है तो उस भाई तक ज़रूर पहुँचाएं, मेरे आपसे निवेदन है, और शेयर ज़रूर करें वीडियो पर, नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैन जय बात, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो आने वाला आपको कुछ किस टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए उस टॉपिक का आप कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा आपको। वो फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे से हो चुकेगा उतना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही 3-4 साल का एक्सपीरियंस है हमें, और HR ग्राउंड में हमें काफ़ी मेहनत की है, और आप भी देख सकते हो जी HR ग्राउंड में बिना डिफेंस के 30 से 40 बंदे रोज आते हैं, आपके मंडे को देखना कितने बच्चे हैं आसपास के बंदे आएंगे टाइमिंग देखने के लिए। तो जय हिंद जय भारत, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।